इस धारावाहिक के इस एपिसोड के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या समुदाय पर आधारित नहीं है। इस धारावाहिक के किसी भी चरित्र की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र आकस्मित है। कोई भी संवाद या व्यवहार जो इस धारावाहिक में दिखाया गया है उसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अपमान करना नहीं है और न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। यह एपिसोड किसी भी कानून या विधान का खंडन नहीं करता। चैनल इस धारावाहिक द्वारा किसी भी पात्र या किसी भी वाक का समर्थन नहीं करता। यह धारावाहिक सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है। Sound. Roll camera. Intikam scene number 3, shot number 5, take number 1. Action! Vasalya Devi! Vasalya Devi! Jindabad! Vasalya Devi! Jindabad! Vasalya Devi! 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 हमें नहीं चाहिए। साथ समझ के रख लो चौधरी। अपने पुण्य से कह दे, तुझे बचा सकता है तो बचा ले। क्या बात है, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। माय टमाटर की चटनी है। ए श्री देवी, वुड पैकअप हो गया। थैंक यू। ए
अबे दद्दू कहीं के तू क्या कर रहा था हाँ? क्या बात है रोमा, आज मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। हाय 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 हाय, तेरे ताजमहल का तबेला बनाऊं? जब मैं वहाँ लेटी थी तो चिमटी क्यों काट रहा था हाँ बोल? अरे यार मस्करी भी नहीं समझती तेरी इस मजाक के वजह से ना, आज तू यहाँ है और देख रोमा कहाँ से कहाँ निकल गई। तू ना तू मुझसे जलता है, तू मुझसे जल, तू क्या ये सारे मुझसे जलते हैं कि एक दिन रोमा ठेंगा दिखा के आगे ना निकल जाए। पर तू फिकर मत कर, रोमा रुकने वालों में से नहीं, रोमा ना इस भीड़ में से यूं 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 आगे निकल जाएगी और तुम लोग देखता रह जाएगा, समझा? मेकअप। ए मैडम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पीछे पीछे घर जाऊंगा क्या? तुम्हारा पेमेंट देने पर डे का ये पकड़, 250 रुपए तो पर डे का और 50 रुपया तेरा कन्वेंस। और सुन कल दोपहर 2 बजे का शिफ्ट है, टाइम से आ जाना मेरी माँ, पकड़ कंटिन्यूटी में है तू। लेकिन मेरी जी मैं कौन है आप? ये चोकटा तो इंडस्ट्री का नहीं दिखता, अपनी नजरों से कोई बच जाए तो अपनी आंखें ना फोड़ लूं। देखा कैसे पहचान लिया तुझे? आप मुझे जानती है? अल्लाह माधुरी दीक्षित, देखो माधुरी दीक्षित। तू माधुरी दीक्षित है जो मैं तुझे पहचान लूं? हाँ पर अपन है ना ये जूनियर आर्टिस्ट को खूब पहचानते हैं, एक नजर में पहचान लेती हूँ कौन आर्टिस्ट है और कौन जूनियर आर्टिस्ट। जी वो दरअसल मैं। अच्छा तो किसी और लफड़े से इधर आई है और किसी और के पर्दे पे फांदा मार रही है, तू चल मैं तो तू चल। देखिए मैं यहाँ किसी का हक मारने नहीं आई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, यहाँ किसी से भागते बचते गलती से यहाँ आ गई, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। चल कृष्णा सी बिटी स्टोरी बस। नंदू जी चल तू जी, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये पैसे भी आप ही रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, माफ कीजिए। जरा तू मुझे पैसे देगी? हाँ तू मुझे पैसे देगी? तू रोमा को पैसे देती है, ये ले अपने पैसे रख और चल मेरे साथ वहां चल। मेरी बात तो सुनिए। इधर क्या कर रही है? इधर सुनिए, अब तू मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, तू यहां से फुट ले और प्लीज मुझे तेरा ये गंदा चेहरा वापस दिखाना मत, क्योंकि अगर मैंने तेरी ये गंदी शक्ल यहाँ देख ली ना से बिगाड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके चल एक सेकंड। इस तरफ से रास्ता क्या हुआ कृष्णा बेटा, तू रुक क्यों गई? माँ भूख लगी है। बेटा थोड़ी देर और सब्र कर ले, तो वो भेड़िए हमें खा जाएंगे। चल बेटा चल बेटा चल। हो रही Come on!
अबे सूरदास अबे ये कपड़े कौन उठाए तेरे? हुआ मिली ए यार चल इधर से चल इधर जाके ले सूरत देखकर परेशान होना अभी जो हालत में तुम्हारी करूंगा अगर तुम खुदकुशी भी कर लो तब तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी पद्मिनी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी पद्मिनी तो बहुत परेशान करती है। लगता है भगवान ने हमें आज बचा लिया। इन्हें बाबूजी भेजे हैं ना? बाबूजी बुरे हैं ना? नहीं बेटा, बाबूजी बुरे नहीं है। वो बस खेल को कभी कभी बुरा बनाकर खेलते हैं। कौन सा खेल? छुपन छुपाई, जैसे तू झुमरी के साथ खेलती थी, वो छुपती थी और तू उसके पीछे पीछे भागती थी ना, बस वैसा ही कुछ खेल बाबूजी हमारे साथ भी खेल रहे हैं। अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो ये जो तुम्हारी छोटी बहन है ना, बाबूजी उसे सबसे पहले सजा देते बेटा। अब तो उसको कुछ नहीं होगा ना? नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रॉन्ग नंबर। अरे ससुरे बोला ना रॉन्ग नंबर। हाँ, हम बलराज चौधरी बोल रहे हैं, फिर भी ये रॉन्ग नंबर है।
क्योंकि हम नामर्दों के फोन नहीं उठाते। जो एक पिस्तौल में गोलियां लेकर गए एक औरत के पीछे और कहते कि वो भाग गई। अब हमें दो ही सूरत में फोन करना, एक तो ये खबर देने के लिए कि वो हद से चढ़ गई है, या फिर एक दूसरे की कनपट्टी पर पिस्तौल रखना, हमें फोन घुमाकर छाए की आवाज सुना देना। हाँ दादो ऐसे राज, पर राज देख बेटा, गोली चलाने से नहीं दिमाग चलाने से जीत मिलती है। मगर खुद इतना ठंडा रखेगा ना कोई तकलीफ जरूर आएगी दिमाग में, समझा? और एक बात याद रखना, दुश्मन को हराने के लिए गुस्सा जरूरी है, अरे बहुत ही जरूरी है। पर तू ये भी सोच बेटा कि तेरी दुश्मन की कोख में तेरा आने वाला कल है, तेरा बेटा, तेरा सौभाग्य, तुझे उसे भी तो हासिल करना है कि नहीं? क्या मिल गया उसे? मेरे नसीब को वो छीनना चाहती वो समझा, लेकिन होने वाली औलाद उसका भी तो बेटा है, तो उसके बेटे का नसीब पे ये शान शौकत तौला। तेरे बेटे का दिमाग ठंडा हो गया मां, तू सच कहती है कि ठंडे दिमाग में बातें ज्यादा क्लियरली समझ में आती है, गर्म दिमाग में सवाल उठते हैं, ठंडे दिमाग को जवाब सूझते हैं। होने वाला बेटा उसकी भी औलाद है, एक मां अपने होने वाले बेटे के नसीब को नहीं छीनेगी। हाँ तो तेरे बेटे के ठंडे दिमाग को जवाब मिल गया है, अब इस पे मोहर लगाएंगी तेरी बड़ी लाडली बड़ी ताई मां। कह रही थी ना कि भागने से पहले पद्मिनी उसके साथ थी, ताई मां उसकी नजर उतार रही थी। बुलाओ से, अब मैं उसकी नजर उतारूंगा। खा के आए थे। अरे भैया मिश्रा जी, जयराम जी की ड्राइवर भाई, कैसे हो भैया? बढ़िया है। अरे तुम्हें जल्दी से अपना भी पान वान लगा दो भाई। अरे बहुत जल्दी में कहा। अरे क्या बताए मिश्रा जी, अब किसके भले बने और किसके बुरे बने, अपने तीन तीन हीरो को यही गाड़ी चाहिए। अब सन्नी पाजी है वो अपने को छोटा भाई जैसा समझते हैं, पर जग्गू दादा वो तो अपने बड़े भाई जैसे। अब किसको भला किया और किसको बुरा किया? बेटा तू यही रुक, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या मांगता भाई? जी जो भी आ जाए ये लो। बेटा,
हम जब तक ये खेल खेल रहे हैं, हम मन से कहाँ जी पाएंगे? और अगर मन से जीने गए तो पकड़े जाएंगे ना, और अगर पकड़े गए तो हार जाएंगे। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये छोटी बहन इस दुनिया में आने से पहले ही हार जाए? माँ, ये खेल कब खत्म होगा? बेटा, ये खेल तब खत्म होगा जब हम तुम्हारे मौसी के यहाँ जाएंगे। एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो हम जी भर के खाना खाएंगे। हम मौसी से ये कहेंगे कि हमारे लिए ये बनाए वो बनाए, भर पेट खाएंगे, ठीक है? तब तक ये बिस्किट खा लेना बेटा, मैं मौसी को फोन करके आती हूँ। हाँ, मौसी के यहाँ जाना है ना, कहीं जाना मत। हाँ, भाई साहब, एक फोन करना था। और अगर बात रुपया हुआ पर बात तो नहीं हो पाई। बात करने का नहीं, कॉल करने का पैसा लगता है। कॉल कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ मैं पद्मिनी बोल रही हूँ, पार्वती की बहन। कब से फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, लगी नहीं। कट नहीं रहा था, मैं जानबूझ के काट रहा था। देखो, हमारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, और आइंदा इस फोन के बाद समझ लो हम एक दूसरे को नहीं जानते। पिताजी, ये आप? तुम जानती हो ना, तुम्हारा पति जल्लाद है, और उसे अगर पता चल गया कि तुम हमारे कॉन्टेक्ट में हो तो वह इस घर को आग लगा देगा। तो वैसे वो मुझे 4 बार धमकी दे चुका है। तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन जिंदा रहे तो यहाँ आइंदा फोन मत करना। लेकिन समझ गई, चलो रखते हैं। हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक है। भूखे थे। भूखी तो तू भी थी ना? अरे भूखी तो मैं भी हूँ ना, हमारे भूख का क्या होगा? भूखी को तो कोई भी दो रोटी डाल देगा, लेकिन हमारे पास अगला निवाला कहाँ से आएगा? बोलो, मेरे पास एक ढेला नहीं बचा है, ऊपर से तुम्हारा मासी का घर भी खो गया। अपन ने फूटी कोड़ी और नाचार छिपाने के लिए कोई जगह, और ऊपर वाला जो हुआ करता था आज उसका भी कोई अता पता नहीं है। तूने वो बिस्किट इतनी मेहनत से लेकर आई थी, तूने उस कुत्ते को खिला दी, कुत्ते को खिला।